सच में मांगे 2 करोड़ रुपए सुशांत की फिल्म बनने पर। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम जनता तक में। आज इस प्रोग्राम में जनता तक में हम आपके सवालों के ही जवाब देंगे। जी हाँ, लोग जानना चाहते हैं, हाल ही में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पर बायोपिक बन रही है और 2 बायोपिक बन भी चुकी है। इस पर सुशांत सिंह के पिता ने बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ खबरें हैं कि सुशांत के पिता ने फिल्म निर्माताओं से 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी है, लेकिन किस बिहाफ पर। और इसी के साथ जहां सुशांत का अभी तक केस भी सॉल्व नहीं हुआ है, सुशांत के पिता ने एक और केस कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और उन्होंने सुशांत पर बन रही फिल्मों को बैन करने की बात कही है, लेकिन किस आधार पर और किस आधार पर मांगे हैं 2 करोड़ रुपए। जनता ने कई तरह के सवाल किए, कई तरह के कमेंट्स किए और ट्विटर पर शेयर भी किया। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 साल पूरे होने वाले हैं। पिछले साल 14 जून को बॉलीवुड का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए ओझल हो गया। मुंबई स्थित उनके घर में रहस्यमयी हालत में उनकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस से लेकर सीबीआई और एनसीबी तक कई जांच एजेंसियों ने केस की तहकीकात की, लेकिन नतीजा ढांक के 3 पात रहा। एक्टर की मौत की गुत्थी आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। यहां तक कि उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए हो रही जांच नशाखोरी के पर्दाफाश के अंजाम तक ही पहुंच पाई है। अब सुशांत की जिंदगी की कश्मकश और मौत के रहस्य पर बन रही फिल्मों पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जी हाँ, कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। एक्टर के पिता के सिंह इन फिल्मों पर बैन के साथ ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से प्रेरित 2 फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है। पहली फिल्म का नाम है न्याय द जस्टिस और दूसरी का नाम है सुसाइड या मर्डर। पहली फिल्म 11 जून को रिलीज होने वाली है। इसकी रिलीज को रोकने के लिए सुशांत के पिता के सिंह ने, जी हाँ के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उनके बेटे का नाम उसकी पसंद को प्रस्तावित फिल्मों में इस्तेमाल करने से रोका जाए। फिल्म निर्माता स्थिति का लाभ उठाने के लिए इस तरह की फिल्म बना रहे हैं। उन्हें अंदेशा है कि इस तरह की फिल्में, वेब सीरीज, किताबें या इंटरव्यू प्रकाशित हो सकती हैं, जो उनके बेटे या उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने इसके लिए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की फिल्म निर्माताओं से मांग की है। जी हाँ, जब पब्लिक को पता चला कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मुआवजे के लिए मांग की है, तब पब्लिक का रिएक्शन कुछ और ही है। बता दें, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से प्रेरित 2 फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है। वहीं न्याय द जस्टिस के निर्देशक की तरफ से वकील चंद्रलाल की दलील है कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत का नाम या उनकी पसंद को शामिल नहीं किया गया है। ये सुशांत की बायोपिक नहीं है। किसी को फिल्म बनाने से रोकना ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी संविधान में दी गई है। सुशांत एक सेलिब्रिटी थे और लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। इतना ही नहीं, फिल्म की रिलीज को बड़े स्तर पर प्रचारित किया जा चुका है। ऐसे में इसे रोकने पर कोई आश्वासन नहीं दे सकेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि फिल्म कथित रूप से सुशांत के जीवन पर आधारित है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन फिल्म मेकर्स को चेतावनी दी गई है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक की फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। वहीं सबसे बड़ा सवाल, जी हाँ, यूजर्स का कहना है कि सुशांत पर केवल उनके पिता का हक ही नहीं है। चलिए आपको बताते हैं आखिर यूजर ने ऐसा क्यों कहा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत के पिता कृष्णा किशोर सिंह आखिर किसी फिल्म को बैन क्यों करना चाहते हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है कि फिल्म से सुशांत केस पर या उनके परिवार पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जबकि फिल्म मेकर्स की तरफ से ऐसा कभी क्लेम नहीं किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक बना रहे हैं। उनकी कहानी पब्लिक डोमेन में है, हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है।
मीडिया ने हर पहलू पर लिखा और बोला है। ऐसे में कौन सी बात है जिससे के सिंह को खतरा नजर आ रहा है। ये 100% सच है कि किसी को भी फिल्म बनाने से रोकना संविधान के नियम के खिलाफ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जब तक कि उस अभिव्यक्ति से किसी की निजता का हनन नहीं होता, सुशांत पर फिल्म बने या ना बने, इसे सिर्फ उनके पिता को तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए है, ना ही उनके द्वारा दायर केस की वजह से फिल्म पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। वहीं कई यूजर्स ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर फिल्म पर एतराज होगा तो फैंस खुद देंगे जवाब। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ सुशांत के परिवार वालों को चेतावनी दी है। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पटना निवासी कृष्ण किशोर सिंह के बेटे से कहीं ज्यादा एक ऐसे सेलिब्रिटी थे जिनके लाखों फैंस हैं। उनकी मौत के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों ने जैसे रिएक्ट किया, उससे साफ है कि वो केवल पिता ही नहीं बल्कि पब्लिक के भी हैं। उनके पिता के साथ हजारों लाखों लोग सुशांत का सच जानना चाहते हैं। यदि किसी फिल्म में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ दिखाया भी जा रहा है तो उसे व्यक्तिगत रोकने के बजाय लोगों के बीच जाने देना चाहिए। सुशांत के फैंस पर यकीन रखना चाहिए कि यदि उन फिल्मों में जरा भी कुछ गलत होगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक्टर के चाहने वाले आज भी उनके साथ हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सुशांत का नाम जिस तरह से ट्रेंड होता है उससे पता चलता है कि फैंस उनको भूले नहीं हैं, उनके लिए इंसाफ की आवाज बुलंद किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें, सुशांत के फैंस ने यहाँ तक कह डाला कि हम लोग आज भी सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बता दें इस केस में लेकिन क्या हुआ, एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक वही हुआ। पुलिस ने उसे खुदकुशी का केस बताया तो वहीं सुशांत की फैमिली और फैंस ने हत्या माना। सोशल मीडिया पर आए दिन जस्टिस हो सुशांत या सुशांत के हत्यारों को फांसी दो जैसे हैशटैग ट्रेंड होते रहते हैं। इस मामले में सीबीआई तो किसी नतीजे पर पहुंची नहीं। एनसीबी ने पूरा मामला ड्रग्स रैकेट पर केंद्रित कर दिया। कहां एक शख्स की मौत के रहस्य को सुलझाने की बात हो रही थी, लेकिन कहां जांच एजेंसियां नशाखोरी के रैकेट को सुलझाने में लग गई। सीबीआई इस केस में क्या कर रही है, उसके पड़ताल में क्या मिला, ये तो नहीं पता चला, लेकिन एनसीबी ने ड्रग्स रैकेट के जाल को जरूर सामने रख दिया। अब नया बखेड़ा फिल्म पर हो रहा है, इसके पीछे भी पावर और पॉलिटिक्स ही नजर आ रही है। कोई बेटा समझ के हक जमा रहा है तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के फिल्म बनाकर पैसे कमाना चाह रहा है। बस इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा। जी हाँ, तो ये था पूरा किस्सा। हालांकि आपको बता दें, सूत्रों की माने तो अभी तक कोई ऑफिशियल सुशांत के पिता ने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन खबरों की माने तो सुशांत के पिता ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड भी रखी है। साथ में फिल्मों को बैन करने की भी बात कही है। वो नहीं चाहते कि उनके बेटे से जुड़ी कोई भी चीज किसी भी चीज की बायोपिक बने या उनकी इमेज खराब हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में जनता तक में, जहां पर हम आपके ही सवालों के जवाब देंगे, आपकी बात को मीडिया में रखेंगे।